भगवान का दिया हुआ जीवन द्वंद्वों के बीच जैसे नदी की धारा दो किनारों के बीच बहती है, ऐसे उतार चढ़ावों के बीच ये जीवन हम लोग जीते हैं। एक जैसा समय नहीं रहता। आंसू और मुस्कान दोनों का संयोग जीवन की धारा के साथ रहता है, और ऐसे में दो तरह की शक्तियों की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है, एक बाहरी शक्ति एक आंतरिक शक्ति। कोई बाहर से संभाले, लेकिन अगर हम अंदर अपने को ही न संभालें तो बाहर संभालना भी बेकार। अंदर हम अपने आप को संभाल भी रहे हैं, लेकिन बाहर कोई आस उम्मीद ना हो तो भी हम हिल जाते हैं। तो अंदर से संभालने की शक्ति भगवान दे रहा होता है अंदर बैठा होता है, और बाहर से संभालने की शक्ति गुरु दे रहा होता है। दो हाथ जब ये मिल जाते हैं तो जीवन का दिया सुरक्षित रहता है। फिर भी अंदर की शक्ति बहुत जरूरी है। आंधियों के बीच पेड़ जब बहुत बुरी तरह हिल रहा था तो पंखों को फैलाकर डाल पर एक पक्षी गीत गाता जाता था, तो किसी ने आवाज दी कि डालियां टूट रही हैं, पेड़ भी टूटकर बिखर रहे हैं, आंधी तेज है और तुम्हारे गीत बंद नहीं होते। गीत भी तभी आदमी गाता है जब अंदर से खुश होता है या कहीं लगन लगी होती है। तो किसके भरोसे डाल पर बैठकर गीत गा रहा है? पंछी ने आवाज दी, डाल का भरोसा नहीं है। डाल तो कभी भी टूट सकती है। भरोसा है उस मालिक का जिसने जीवन दिया, या इन पंखों का भरोसा है? क्योंकि जिस पर बैठे हैं वो सहारा कभी भी टूट सकता है, लेकिन यदि आप अंदर से आत्मिक बल से भरपूर हैं तो ध्यान रखिए उस बल से आप सब काम कर लेंगे। लेकिन यदि आपका स्वयं पर ही विश्वास नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो दो विश्वास जरूरी हैं, एक आत्मविश्वास एक परमात्म विश्वास। तो उन दोनों का विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। तो आइए मिलकर कहते हैं, शरण में आ पड़ा तेरी, शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भूला। लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ देरी लगाना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ देरी लगाना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना। में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको
राम दुनिया में पतित पावन सभी जाने पावन सभी जाने देख कर दोष को मेरे देख कर दोष को मेरे न जल मुझसे प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर बहाओ प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर दिलों में प्रेम का सागर ये जीवन प्रेम Yeah.